हेलो फ्रेंड, मैं मंजू सिद्दीकी सी जी मास्टर ग्रुप डॉट कॉम की तरफ से। गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे का पार्ट मॉडलिंग का। ठीक है, बट जो है मेरा बेसिक जो है वो तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया है ये, एंड चलते हैं आगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो मिरर का है मॉडिफायर उसको यहाँ से हटाना होगा, एंड उसके बाद जो हमारे पास ये साइड वाला व्यू है उसको साइड भी लिया एंड यहाँ पर आया। इसको हमने क्या किया कि एक से यहाँ से एक स्पेयर लिया यूवी स्पेयर, एंड उसके स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर कोई 12 एंड 10। ठीक है, एंड क्ले, और इसको यहीं ठीक है वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट किया और यहाँ पर इसको स्केल किया इस तरीके से। स्केल करने के बाद हमें क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पर आके इसके जो पार्ट है हाफ उसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, एंड ये वाला है एल। ठीक है, सिलेक्ट। उसके बाद हमारे पास पार्ट है ये एंड ये डिलीट फेस शिफ्ट के साथ डिलीट एंड एल। ठीक है, अभी ये वाला जो है एज हमारे पास एक्स्ट्रा है, डिलीट डिलीट एक्स एंड डिलीट। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमें यहाँ से डिलीट करना होगा क्योंकि ये हमें थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसको इस तरीके परफेक्ट यहाँ है 1 पेस्ट किया है और यहाँ इसके साथ इसको अटैच कराया। ठीक है, चाइल्ड एंड पेरेंट, चाइल्ड एंड पेरेंट कंट्रोल जे, इसको सिलेक्ट किया एंड स्मूथ, और फिर इसको इसके साथ अटैच कराया। तो यहाँ अपने 1 सेलेक्ट सेलेक्ट 3 सेट किया पहले। तो सेट करने के लिए हमें करना होगा यहाँ पे हम स्नैप के अंदर एंड यहाँ पर वर्टेक्स। ठीक है, और इस वर्टेक्स को पकड़ते हैं यहाँ से, थोड़ा इजी होगा अटैच। अटैच कंट्रोल आर एक ही जाओ और इसको इसके साथ अटैच, इसको इसके साथ, तो इस तरीके से सारे कर देंगे। हमें करना है यहाँ है, यहाँ पहले इसमें पॉप कर लेते हैं ऑल्ट के साथ एम, फिर ये ऑल्ट एम। उसके बाद कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, हमने इसको सिलेक्ट किया एंड इसको ऑल एम इसके साथ ऑल टाइम सिलेक्ट ऑल टाइम एंड इसको मूव कराया ये वाला पार्ट इसके साथ ऑल एम इसको इसके साथ एंड ये वाला पार्ट ऑल टाइम। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट बचा है इसको इसके साथ ऑल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है बेसिक वो तैयार हो गया, एंड यहाँ से जो हमारी एज है ये इसको पकड़ते हैं अंदर लेके जाते हैं इस एज को छुड़वा के सिलेक्ट। यहाँ आप छोड़ो यहाँ से एंड मूव अंदर सेलेक्ट कंट्रोल के साथ ये ठीक है। तो ये वाली जो एज है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
इसको यहाँ से अलग करना होगा। आए यहाँ सेलेक्ट की अपनी एज और एक्स एज, फिर यहाँ से सीधा एक लूप जाएगा तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एंटर, ठीक है तो ये हो गया। फिर हम सेलेक्ट राइट क्लिक ब्रेजेज ब्लू एज लूप एंड सेलेक्ट ब्रेजेज ब्लू बगल हो सारे ब्रज, ठीक है डबल क्लिक ऑल्ट के साथ एफ, ऑल्ट के साथ एफ, फिर वन सेलेक्ट एंड सेलेक्ट राइट क्लिक सॉरी ऑल्ट एम, ऑल टाइम, ठीक है। उसके बाद यह ट्रेंगर बनना है, उसको हम बाद में देखेंगे। हमें जो पहले पार्ट देखना है वो ये है एंड ये सबके साथ ऑल टाइम एंड ऑल के साथ ये वाला बहुत ऑल टाइम, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पर तैयार हो गया सेलेक्ट करो ऑल्ट के साथ एंड ये जो नीचे की एज है वर्टेक्स एंड घटाओ एंड यहाँ पर एज डेट एक्सिस एंड ओके। फिर क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इसी पार्ट के लिए एंड दोबारा से मिरर, फिर आए यहाँ सेलेक्ट ऑल्ट के साथ एंड ये जो एज है ये वाला पार्ट, इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एज है ये, इस एज को कभी सिलेक्ट करते हैं नीचे के जो है सॉरी वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आए एंड फिर एक्स टू, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रही है हमारे पास ये एंड ई एक्स टू इस तरीके से यहाँ ई एच टू ई एच टू, ठीक है। तो इसको मर्ज कर लेते हैं पहले ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ऑल्ट के साथ एम, सेलेक्ट सेलेक्ट सिप्टर सिप्टर एंड सिप्टर, ठीक है। सिप्टर हमको पता ही है रिपीट कमांड है हमारी जो एडिट मेन्यू के अंदर मिलती है ये वाली, ये मैं आपको बता चुका हूँ ट्यूटोरियल में अपने सेकंड ठीक है। एस के साथ हमारे पास ये हमारा यहाँ एस आर एक्स उसको इस तरीके से मूव करो एंड सेलेक्ट मूव ई एक्स टू एक्स टू फिर एक्स टू, ठीक है कुछ इस तरीके से। एंड जो ये वाला एज है ये वाला एज है ये एंड ये ऑल्ट एम ऑल्ट एम ऑल्ट एम, ठीक है। अब थोड़ा सा सेव जो है वो रिशेप करना होगा हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो है वो वैसा हो गया पीछे। ये देखिए सिलेक्ट किया हमने यहाँ जो ये एज है, ठीक है ये है ये है हमारे पास जो मूव देखो इस तरीके से, ठीक ये वाला है ये ये ये
पलाकार इसको भी इस तरीके से अंदर कर लेते हैं, ये है ये है ये है। मूव थोड़ा पीछे के लिए, ओके। अब थोड़े से स्किप कर लेते हैं इसे, रिमूव से वापस आओ एंड स्किप मोड में। थोड़ी सी इससे दिख रही है हमारे लिए जिग-जैग, इसको ये है, थोड़ी अंदर जाएगी हमारी सेव। यहाँ से एडिट मोड से वापस आओ, क्ले को चेंज करो, यहाँ पर करो स्क्रब के छोड़ पर। अब जब मो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट स्टार एंड यहाँ, ठीक है, सिलेक्ट करो ये वाला बार, यहाँ से और मूव कराओ। एक काम करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं इस वाले पार्ट को, और जो हमारे पास जो है प्रोफेशनल एडिटिंग, इसको ऑन करते हैं। तो अभी ये पूरा हो रहा है, यहाँ से मिडिल मोड से इसको, ठीक है, छोटा और बड़ा करते हैं। ओके सर, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट है ये, ठीक तो यहाँ पर हमें जो है प्रोफेशनल एडिटिंग का अपनी ऑप्शन होगा, तो जिसमें और यहाँ से इसको इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ये वाला बार थोड़ा सा पीछे, सॉरी ज़्यादा हो गया, हल्का सा सिलेक्ट सिलेक्ट ओके। उसके बाद फ्रेंड हमें करना होगा ये नेक है, हमारी ये नेक निकालनी होगी हमारे लिए यहीं पर। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहीं पर अपनी इस एज को जो हमारे पास लूप बना हुआ है इसको, एंड यहीं पर एक्सट्रूड एंड एस, फिर ई एंड एक्सट्रूड, ठीक है, इस तरीके से एंड एस एंड जेड एक्स 90 डिग्री, इसको इस तरीके से मूव कर दिया। और यहाँ आया वन सिलेक्ट, इसको मूव कराया यहाँ से। तो अभी दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिपिंग जो है वो ऑन नहीं कर रखी है। तो यहाँ सेलेक्ट करो सबके लिए एंड मूव, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, ये इधर हमारे पास ये वाले सिलेक्ट एंड थ्री मूव, ठीक है, ये वाला पार्ट है, हल्का सा ये अंदर जाएगा। ओके एंड ये वाली जो एज है, हमें यहाँ पर फिर से स्क्रिप्ट मोड में आना है एंड यहाँ से इसको फिर वापस आए अपने ऑब्जेक्ट मोड में और चेक किया, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट है यहाँ पर, ये लग रहा है जैसे कि एक एलियन शो हमारा, सेलेक्ट करें ये वाला पार्ट एंड इसको अंदर ला, ठीक करो यहाँ से इसको
यहाँ पर जैसे लूप है ऐसे यहाँ हमें देना होगा, तो यहाँ से एक केज को डिलीट कर देते हैं हम, राइट क्लिक कर अपना जो है डिजॉल्व इज, ठीक है। एंड सेंड इज रिजॉल्व इज एक दो तीन चार पाँच, इसके लिए कोई नहीं, हम बाद में देखते हैं हम इसको। बस अभी मैं आपको जो है एक को देखना होगा कि हाँ किस तरीके का लूप है, मैं चेक करके और इसको दोबारा से कंप्लीट कर लूँगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हेयर निकाल जो है हमारे कान निकालने होंगे हमारे लिए जो है वो ये, ठीक है यहाँ तक है। तो हमें करना है ये थ्री सिलेक्ट एंड ये वाला पार्ट हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। हमने पूरा ब्लैक अपना पार्ट सेलेक्ट कर लिया एंड एक्स टू ई सॉरी थ्री हो रहा है सिलेक्ट एंड ई एस एक्स टू एंड फिर एक्स टू एंड मूव बाहर के लिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर हल्का सा एक्स टू फिर दोबारा हो गया। अब हमें यह करना है कि जो आगे के एजेस हैं ये इनको यहाँ पर मर्ज कराना होगा हेड के लिए। मर्ज, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट के साथ राइट क्लिक मर्ज। उसके बाद ये वाले जो एज हैं एंड ये वाला जो पार्ट है इसको भी हमें अटैच कराना होगा इसके साथ। शिफ्ट आर सेलेक्ट सेलेक्ट शिफ्ट आर सिलेक्ट सिप्टर सॉरी, चलिए यहाँ तीन हो गए, यहाँ दो करना सिप्टर तभी नहीं होगा क्योंकि रिपीट कमांड हमारी हाथ तक हट गई है। अब जो एज है ये वाली हमारे पास ये इन दोनों को ये वाले को तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, चार ठीक है चार हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको मूव कराया। एंड जो ये वाली एज है हमारे पास ये ठीक है एंड इसको अंदर को मूव कराया इस तरीके से। एंड ये एज है इसको अंदर एंड ये इस तरीके से, ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट है ये अंदर इस तरीके से, ये ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अंदर का पार्ट है इसको रिप्लेस करते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास इसको 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 एंड ये वाला पार्ट ये इन सब को जो है हम अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं एक्स टू सॉरी एक्चुअली यहाँ पर गलत हो गया इस तरीके से और उसको एक्स टू अंदर के, ठीक है। अब हमें करना है कि हमारा एक कार्टून है, वैसे हमें जो है ह्यूमन शेप नहीं देनी है, अगर ह्यूमन शेप देनी है तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंगली पूरा की पूरा ईयर बनाना पड़ेगा। मैं बेसिक जो है हमें कार्टून की डिज़ाइन चाहिए तो हम कार्टून की डिज़ाइन के हिसाब से अपना पूरा काम करते हैं। एंड यहाँ पर आया हल्का सा इस तरीके से, ये वाला पार्ट इस तरीके से एंड जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा नीचे जाएगा
ये जो पार्ट है इसको पीछे लेके आओ, ये वाला जो पार्ट है इसको पीछे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है इसको इस तरीके से, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं अपने आते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल में, ऑब्जेक्ट मॉडल के बाद स्प्लिट कर, यहाँ पे बिल्कुल हमें शेप जो है वो स्मूथ चाहिए होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जो हमारे कान होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ये आए वापस स्केप मोड से ऑब्जेक्ट मोड में, एंड फिर सेलेक्ट किया एडिट मोड, एंड 3 सेलेक्ट एज एंड ई एक्स टूर, एंड हल्का सा इसको मूव कराया एंड इसको थोड़ा बाहर लिया, ठीक है, और यहाँ है 1 सेलेक्ट किया एज, ये एज, और इसको मूव कराया एंड सेलेक्ट ये वाला पार्ट, और इसको इस तरीके से ये, ठीक, हो गया। ओके, हमारा फेस तैयार हो गया, थोड़ा सा हमने जो है अपना यहाँ जो हमारी बॉडी है, बॉडी के नेक जो है इसको थोड़ा सा देना होगा सेव X2, और यहाँ पर इसको एस मोब एंड एस एक्स एक्सिस, तो यहाँ कुछ ये वाले इस तरीके, तो यहाँ कुछ एजेस ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो हम यहाँ से अपनी एजेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। यहाँ हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ये वाला राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर जो है अपने मर्ज के अंदर मार्ज, एंड उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट करो पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मर्ज, फिर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास 2 सेलेक्ट करो एज, अपने सेलेक्ट करो ये वाली एज, ठीक है, एंड ये वाली एज हमें इन दोनों की नीड नहीं है, राइट के लिए, ठीक है, सॉरी एक्स एंड डिजोल्व दिस, ठीक है, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा हेड करके, ठीक है, एंड यहाँ पर 3 यहाँ अपनी एज को सेलेक्ट किए वर्टेक्स को, इस तरीके से, एंड ये वाला पार्ट, एंड थोड़ा सा ये वाला पार्ट अंदर दिख रहा है, मूव, मूव, एंड ये वाली भी एजेस हैं, इनको थोड़ा सा देख, तो देखो आप वैसा लग रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा बाहर से अंदर निकालना होगा इस तरीके से, ये वाली एज भी थोड़ी सी बाहर, हो गया हमारा फेस तैयार, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एज है ये इसको डिलीट करते हैं, जो कनेक्शन ये वाला हुआ है हमारा, ये कनेक्शन इस तरीके से हुआ है, ठीक है, चलो बाद में देखते हैं इसे बार, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं,
अपनी बॉडी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।